हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सेकेंड पार्ट डेप्थ ऑफ द टैंक। क्या रहा है कि एक कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे 40 मीटर की दूरी पे एक टावर खड़ा हुआ। मान लो ये मेरा कोई एक ये है, ये यहाँ पे ये ग्राउंड है, और इस पॉइंट से ये कोई पॉइंट है, मान लिया ए पॉइंट है। इस पॉइंट से 40 मीटर की दूरी पे ये कोई एक टावर खड़ा हुआ, ये कोई टावर खड़ा है। मान लिया यहाँ पे कोई एक टावर खड़ा है 40 मीटर की दूरी पे, ये तो यहाँ से यहाँ तक की उसने डिस्टेंस बता दिया। मान लो ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की उसने डिस्टेंस बता दिया कितना, 40 मीटर है। अब बोलते हैं इसके इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब इस पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये मेरा कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री है। अब बोलते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वॉटर टैंक। अब इसके ऊपर एक वॉटर टैंक रखा, मान लो इसके ऊपर ये यहाँ पे कोई एक वॉटर टैंक रखा है, ये कोई यहाँ पे एक वॉटर टैंक रखा है इस टाइप से, ये है। और बोलते हैं इसके टॉप का जो इस पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेरा कितना डिग्री है, 45 डिग्री। इसके टॉप से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 45 डिग्री है। तो बोलते हैं हाइट ऑफ द टावर बताओ और डेप्थ ऑफ द टैंक बताओ। मतलब एक तो मान लो ये वाला पॉइंट मेरा सी है और ये मेरा क्या है, डी है। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड जो उसने दे रखा है, भाई ए बी की लेंथ दे रखी, ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है कितना, 40 मीटर दे रखा है, 40 मीटर ए। और उसने जो हमें दो एंगल दे रखे, एंगल सी ए बी, सी ए बी कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, और एंगल डी ए बी, डी ए बी हमें कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक तो सी बी की लेंथ निकालनी है, सी बी कितना होगा, और दूसरा हमें क्या निकालना है, डी सी की लेंथ निकालनी है, डी सी मेरा कितना होगा, ये हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बनने, यहाँ पे कौन कौन दो ट्राइंगल बनने, एक तो मेरा ट्राइंगल कौन सा वाला, इन ट्राइंगल, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल किसकी, भाई यहाँ पे बनने पहले तो सी सी ए बी की बात करते हैं, सी ए बी, अगर सी ए बी की बात करूं तो सी ए बी में क्या होगा, या हम सी ए बी में बात करें तो यहाँ पे जो ये थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये मेरा क्या होता है, बेस होता है ये। तो जो जो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन बताता है वो कौन होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, क्या होगा सी बी, इसके लिए सी बी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, सी बी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे जो मेरा एंगल है, अब देखो एंगल अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो टेन एंगल कितना है, 30 डिग्री, और सी बी नहीं पता पर ए बी पता है कितना, 40। तो ये बाई टेन 30 कितना होता है, 1/√3। तो क्या 1/√3, और ये कितना सी बी अपॉन कितना, 40। तो अगर मैं यहाँ से सी बी का मान निकालू तो सी बी जो आ जाएगी, सी बी मेरा कितना, 40/√3 आ जाएगी, कितना 40/√3, ये बना मेरा सी बी, सी बी का मान है कितना, 40/√3 मीटर। और यही मेरी क्या थी, हाइट ऑफ द टावर थी, यानी जो मेरा सबसे पहला पार्ट उसने पूछा था हाइट ऑफ द टावर, वो कितना 40/√3। अगर मैं इसे रैशनलाइज कर दूं तो ये √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो ये आएगा 40√3/3। ये तो जो मेरा हाइट ऑफ द टावर रहा होगा वो मेरा कितना रहा होगा भाई, हाइट ऑफ द टावर, जो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 40√3/3 मीटर। ये तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये आ गया। अब उन्हें सेकंड पार्ट में पूछा डेप्थ ऑफ द टैंक, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दूसरे ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। तो अगर मैं ट्राइंगल ले लू इन ट्राइंगल, अगर मैं यहाँ पे लू इन ट्राइंगल डी ए बी, अगर मैं यहाँ पे लू डी ए बी की बात करें, ट्राइंगल डी ए बी, तो अगर ट्राइंगल डी ए बी की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, मेरा जो परपेंडिकुलर है कितना, डी बी बाई डी बी, सॉरी अगर हम यहाँ पे फिर से टेन का यूज करें तो टेन थीटा, टेन थीटा मेरा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डी ए बी। तो यहाँ पे टेन, पर यहाँ पे जो एंगल है वो कितना, 45 डिग्री है, और ये किसके बराबर होगा, डी बी अपॉन कितना, ए बी, डी बी अपॉन ए बी। और टेन 45 होता है कितना, 1, और डी बी का मान तो नहीं पता पर ए बी पता है कितना, 40 जी, 40 है। तो अगर इसी तरह लेके जाऊंगा तो डी बी कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा, यानी डी बी की लेंथ भी निकलेगी कितनी, 40 मीटर, डीबी पता चलेगा 40 मीटर। पर ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी हमें चाहिए डीसी। तो
तो जो डीसी का मान होगा, हमें तो डेप्थ ऑफ द टैंक चाहिए, तो डीसी किसके बराबर होगा भाई, डीबी माइनस सीबी, डीबी माइनस सीबी, और डीबी है कितना 40 माइनस सीबी, अब देखो सीबी कितना था 40 अपॉन रूट थ्री आया था, 40 अपॉन रूट थ्री ये निकाला था ये, तो अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो 40 रूट थ्री माइनस 40 अपॉन कितना रूट थ्री, तो इसमें से 40 कॉमन ले लेता हूँ, 40 इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन कितना रूट थ्री, यानी जो इसकी जो डेप्थ ऑफ द टैंक रही होगी डीसी वो मेरा कितना रहा होगा 40 अंडर रूट थ्री माइनस वन अपॉन कितना भाई रूट थ्री रहा होगा। तो मैंने दोनों पार्ट का आंसर निकाल लिया, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। ये होप यू विल अंडरस्टैंड इट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।